दोस्तों, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, जिसके मरीजों की संख्या पूरे भारत में 6.91 करोड़ है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। और आखिर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है यह बीमारी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर इस बीमारी के होने के बेसिक कारण क्या है। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, तब तक आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों, यह बीमारी होती कैसे है, चलिए जरा इसके बेसिक कारण को भी समझ लीजिए। जब आपके खून में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तब वो फैट के रूप में आपकी रक्त कोशिकाओं के अंदर जाकर चिपक जाती है और खून में जो इंसुलिन होता है वो कोशिकाओं तक पहुँच ही नहीं पाता। अक्सर बहुत सारे केसेस में ऐसे रिजल्ट्स सामने आए हैं कि बहुत सारे लोगों का पैनक्रियाज तो सही काम कर रहा होता है और पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन भी बना रहा होता है, लेकिन आपकी बॉडी उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पा रही होती। इसलिए हम इस बीमारी को जड़ से नष्ट करने में असमर्थ हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ की बीमारी का शिकार है, तो आज मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान से घरेलू उपाय बताने वाला हूं, जिनकी मदद से और हल्की एक्सरसाइज से आप इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए जान लीजिए क्या है ये नुस्खे और आपको इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मेथी दाने की, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। लगभग 6 ग्राम मेथी दाने को अच्छी तरह से कूटकर रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह आप इसमें से पानी को अलग कर दीजिए और मेथी दानों को किसी कपड़े में डालकर इनको अच्छी तरह से निचोड़कर इनका पानी निकाल लें। और अब बिना मीठा मिलाए इस पानी को सुबह पेट फ्रेश होने के बाद इसका सेवन करें। अगर आप इस प्रयोग को लगातार 2 महीने तक करते हैं, तो आपकी मधुमेह की समस्या हमेशा हमेशा के लिए जड़ से नष्ट हो जाएगी दोस्तों। और अगर आपको मेथी दाना गर्मी करता है, तो आप इसके अलावा एक नुस्खे का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। 100 ग्राम सूखे आंवले और 100 ग्राम सौंफ लेकर इनको बारीक पीस लें। अब इनको आपस में मिक्स करके इनका एक चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण की 6-6 ग्राम मात्रा का सेवन आपको दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद लगातार 3 से 4 महीने करना है। इस चूर्ण का सेवन करने से आपकी डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी जड़ से नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप तली हुई चीज़ें और फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने वजन को कम से कम 10% जरूर कम करें। ऐसा करने से आपकी डायबिटीज़ की आधी समस्या तो आपका वेट कम होने से ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की सैर यानी वॉकिंग जरूर करें, क्योंकि सैर करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और रक्त कोशिकाओं को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से कोशिकाओं में इंसुलिन आसानी से पहुँचने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर दिखाए जाने वाले नुस्खे उच्चतम श्रेणी के वैद्यों की सलाह पर ही दिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।